रेडी हो जा, अभी तीन बार बाथरूम जाएगा तो कंटिन्यू खाने का बाद तीन बार कंटिन्यू नहीं नहीं तू खा यार बाबू ये जो बोले ना तू जाएगा बाथरूम आप लोग कमेंट करके बताओ ये तीन बार जाएगा कि नहीं बाथरूम मम्मी बोला हाँ बेटवा वो खाई के पान बनारस वाला मुंह देखो इसका मुंह देखो जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। मेरा ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, पहले आप ये सीन देख लो, दूल्हा दुल्हन आप यही देख लो भाई, ये देखो दूल्हा दुल्हन क्लोजअप चालू है भाई, पहले का सीन है। तो भाई जैसा आप अगर मेरा डेली व्यूवर्स होंगे तो मैं आपको बता दूँ, पता होगा आपको कि आज कुलदीप भैया की शादी है भाई। फाइनली कब से 2-2.5 महीने से इंतज़ार करते करते मुझे आज शादी है, वो तो पता नहीं कब से इंतज़ार कर रहे थे। तो भाई इसके आज परसों के दिन हल्दी हुई थी भाई, और हल्दी के दिन हम लोग हल्दी कैसा मनाए वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप लोग जाकर देखो। अभी रात के बज रहे हैं लगभग 9:30, कितना बज रहा है 9:30 हो रहे कि नहीं गाइस, एकदम बराबर हो रहे हैं 9:35, थोड़ा 5 मिनट बस मेरी घड़ी पीछे रह गई। तो भाई अभी देख लो पूरा हॉल लगभग ना पूरा खाली है, हॉल पूरा लगभग खाली है, और उधर खाने पीने का व्यवस्था, इधर मेहमान लोग के बैठने का व्यवस्था है, और वहाँ पर वो क्या बोलते हैं बैंजो वगैरह बजाने वाला व्यवस्था है। तो गाइस जैसे जैसे शादी बीतेगी भाई मैं पूरी शादी रुकने वाला हूँ और मैं पूरी शादी का व्लॉग बनाऊंगा। बाकी ये क्लोजअप सीन ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कैमरा मैन ने ना बहुत अच्छी वीडियो बनाई है गाइस, अच्छा तो लग रहा है। बस एक सीन ये लग रहा है कि भाई मैं ऐसा सुना था कि मतलब शादी के पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देख नहीं सकते, ऐसा कुछ रहता है क्या? हाँ रहता है क्या? हाँ चाचा ऐसा कुछ रहता, अच्छा हो सकता है, अच्छा पहले रहता था ऐसा, अब धीरे धीरे सब चेंज हो रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, इस हिसाब से वही मैं सोचूं भाई दूल्हा दुल्हन कैसे पहले एक दूसरे को देख सकते हैं। बलहा बलहा, हाँ ये बलहा से मिलो, ये बलहा वो दुल्हा, अरे वो दुल्हन और पीछे गई दुल्हा दुल्हा। भाई जैसे जैसे शादी जो जो रहेगा मैं सब आपको बताऊंगा, अभी आकाश वगैरह सब किधर इधर चित्र बितर है, मैं इधर फिलहाल सागर के साथ बैठा हूँ। सागर भाई कुछ बोलना चाहते हैं? रात में ठीक है, रात में बोलेगा भाई। गाइस मैं बहुत बड़ी स्क्रीन में आ रहा हूँ भाई, ये देखो करण को पहचाने आप, लास्ट टाइम शादी में मिले थे, उसके बाद अब मिल रहे भैया। टीवी में दिखाओ ना हम लोग, टीवी में हाँ गाइस वो देखो टीवी में, ये कैमरे में हेलो हाय, ये देखो भाई सागर उधर देख कैमरे में, टीवी में आ रहे तू भी, ये बंगाली भाई देखना। बस भाई थैंक यू।
गाइस नाच गाना वगैरह सब हो गया, अब जा रहे हैं द्वार पूजा लगने। तो भाई नीलेश सोच रहे क्या करें हम लोग, टेस्ट करने बोला ना तू, ये बोला कि चलो थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेते हम लोग क्या क्या बनाए आज। दो मिनट में आ रहा है, जा कहाँ रहा है? आकाश को ढूंढ क्या, आकाश को सना के आसिक को जा। गाइस आकाश का नया नाम है क्या है? सना, सना, सना का आसिक। अरे अंकल यहीं खड़े हैं। गाइस मैंने ओसामा को रंगे हाथ पकड़ लिया, लाइक करो फॉलो करो, सो सगोड़ा खाते हुए पकड़ लिया मैंने इसको। मस्त ना, मस्त बना है गाइस। लेट्स कम ऑन, इंग्लिश सुनो सब गाइस, आप नहीं समझोगे किस चीज की बात चल रही गाइस। भाई पूरा थाली नहीं उठाना, सिर्फ एक उठाना है, एक चम्मच। और ये नहीं लेगा, ये ले मसाला, मसाला भाई। अबे तू क्या मास्टर शेफ वाला है क्या? जोर से बोलो भाई, रेडी हो जा, अभी तीन बार बाथरूम जाएगा तो कंटिन्यू खाने के बाद, तीन बार कंटिन्यू। नहीं नहीं तू खा यार बाबू, ये जो बोले ना तू जाएगा भाई। आप लोग कमेंट करके बताओ ये तीन बार जाएगा कि नहीं बात। भाई मैं नहीं सहता भाई, कसम से एक मिनट में चेक कर रहा हूं, मैं नहीं सहता, इससे मुझे कुछ याद आ गया, मैं ना सुनता। मुझे लगा पानी पूरी गाइस, मेरे साथ धोखा हुआ, ये पानी पूरी नहीं है गाइस, पानी पूरी खत्म हो चुका है गाइस। गाइस लगा पानी पूरी है, नगर का है ना गाइस, इसके लिए तेरे को सब उल्टा सीधा लग रहा है। भाभी बर्तन धोएगी, भाभी झाड़ू मारेगी, कौन रुक जा, रुक जा अभी, आगे आओ भैया आगे आओ। अरे यार पहले पूछ तो, छोड़ दे रहा है फटका डाल के। तो वो ना किसी को बोला नहीं, कुछ लड़की लेकिन रिएक्ट कर दी उसके ऊपर, तूने मुझे कुछ बोला ऐसे, तो ये अभी वो लड़की का भाई बनेगा, लड़की चली गई है, ये चेहरा दिखा इसका जंगल, ये चेहरा दिखा, ये आएगा वो बोलेगा चल तू बाहर आ, क्या बोला मेरी बहन को, तो हम सब जाएंगे उसके पीछे, तो उन्होंने धक्का दे देना। मैम मैम भाई ये केडी भैया की बहुत खास मित्र है, ऐसा मैं सुना, कितनी खास, कितनी ये देख, 100 में से कितनी खास, 100 में से नहीं हो। अब समझ गए होंगे गाइस, आप लोग समझ गए, गाइस मतलब सीन ऐसा है ना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लड़की को ऐसा लगा कि किसी ने उसको छेड़ दिया, तो अब ये लड़की का भाई बनेगा और उसको जाकर बोलेगा ऐसा कि भाई तूने मेरी बहन को क्या क्यों छेड़ा, क्या बोला, ऐसा वो सीन है। तो भी मैं उसका व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तू हट 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 हट, वो देखो, तो वहाँ से वो आ रहा है पानी लेकर, सागर एकदम रियल, कैसा बगल बोलता है, ये बंगाली इधर आ, चल ये बंगाली इधर आ, ए आया, ए मत मत भाई भाई भाई, जा दीदी बोला नहीं तो चढ़ जा, जा भाई चढ़ जा, चढ़ जा चढ़ जा, जा भाई चढ़ जा उसके ऊपर, जा क्या यार, हाँ स्टार्ट है, अबे हंस रहे भाई वो, हंस पता नहीं यार, पूरा हंस के सागर सब खराब कर दिया, सागर पूरा हंस के खराब कर दिया। एक किसी लड़की से टकराया कह रहे, अबे भाई दोस्त है, अपना दोस्त है पागल, एक दो तीन चार, हम लोग चार बैठे, क्या हुआ, रुक रुक बता रहे, भाई पूरा खराब कर डाला, लड़का पूरा खराब, लेकिन तू डरा कि नहीं, ऐसा डरा रहा है, ये डर गया, लेकिन ये पूरा मैटर एक्सप्लेन करने लगा क्या है क्या नहीं, ये उस लड़की का भाई है।
परसों ना अंकल का फोन आया इसके फोन पे, कुछ तो बात चल रही थी, तो अंकल बोलते हैं कि क्या हुआ, ऐसे बात चल रही थी तो ये इसको फोन दे दी, तो वो अंकल ने थोड़ा हाइट में कम है, ये बोलता है ये नाटे फोन बदतमीज सॉरी। तो 3-2-1 गिनूंगा तो सब लोग क्या चिल्लाएंगे? गोलुआ जोर से, और आकाश वहां पर, आकाश बोले तो गोलू, वो देखो उधर फोटो निकलवा रहा है, ठीक है रेडी 3-2-1 गोलुआ। अबे वो छुप गया, अबे अमावस्या के टुकड़े में छुप गया। अच्छे से बोलो गोलुआ। 3-2-1 गोलुआ। हाँ सुन लिया। आ देगा। मिशन सक्सेसफुल, लाइक करो, बोलो जय बाबा की। तो गाइस फाइनली यहाँ पर जयमाल वगैरह सब कुछ हो चुका है, और पीछे ना पूरी फैमिली तो नहीं है बट कुछ गिन के 10-12 लोग मिस होंगे, बट जितने को जमा कर पाया भाई सबको लेकर आया हूँ। तो मेरे पीछे दूल्हा दुल्हन के साथ में सारे फैमिली वाले और सब ने आशीर्वाद दे दिया है, तो अभी इसके बाद ना जाना है इनको सीधे दूल्हा दुल्हन को खाना खाने, और उसके बाद आगे की जो शादी की विधि है वो सब होने वाला है। उससे पहले एक बार मिल लेते हैं, लोग सारे बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे हैं। ये रही हमारी भाभी भैया, हाय करो आप भी। और ये काजल, जैसा आपने, मैंने आपको लास्ट में बताया था, लास्ट ब्लॉग में, काजल सिस्टर है। तू क्यों बैठ गई यहाँ पे, तू हट इधर से। तो भाई यहाँ पर बहुत मजा आया आप लोग को शादी में अभी तक का, अब आगे का भी देखना है। तो अभी शायद आप लोग में से कोई कोई घर जाने वाला है शायद। अच्छा सब रुकने वाले हैं, मतलब सुबह विदाई में साथ जाने वाले और एक चीज बतानी है, जैसा कि हम लोग आज लड़के वाले की तरफ से है, तो कुछ जूता चोरी वगैरह होगा, तो सुनो होगा, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ होगा, हो सकता है, बट तुम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ था कि लड़कों को बीच में नहीं आना होता है, तो तुम लोग ध्यान देना, तो ध्यान दोगे ना, तो फिर अभी आप लोग जा सकते हो। थैंक यू सो मच भरत। तो गाइस व्लॉग वीडियो एंड कर रहा हूँ, जा रहा हूँ घर। बाकी शादी में भाई बीच में कहाँ गया अपना मुझे खुद नहीं पता भाई, क्योंकि हम लोग सब लोग भाई सो रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और शादी खत्म हो गई, अभी बज रहे सुबह की 8, और अभी मैं जा रहा हूँ घर। देखो गाड़ी आ रही है भाई, सब बैठ चुके हैं, मेरे को भी बैठने का है। बाकी शादी में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन जितना मज़ा गाँव में आया था भाई उतना मज़ा यहाँ नहीं आ पाया, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी थी ना यार गाइस, गाँव में बहुत ठंडी थी, तो बहुत अच्छा लगता था वहाँ पर। और क्या, और सब बढ़िया भाई, और सब मज़ा आ रहा है। गाड़ी तो ऐसे घुमा रहे अंकल, मैं क्या बताऊँ अंकल, इधर से लेके गए, फिर उधर घुमाए, फिर उधर से इधर घुमाए, फिर इसके बाद इधर ले लिए, आप पता नहीं कैसे घुमा रहे भाई, हैवी ड्राइवर है अंकल। चलो छोड़ो भाई, आज का वीडियो ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाकी आप गाँव का ब्लॉग देखो भाई, वर्षा दीदी की शादी का, वर्षा दीदी और जीजा का, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो ख़त्म करते अपना ब्लॉग वीडियो यहाँ पर है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय श्री राम। बस अपना ही सब कर लो। जय श्री राम। जय श्री राम।